राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क ड्रेस वितरण करने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद त्वरित कार्यवाही नहीं होने के स्कूलों में आधा सत्र बीतने के बाद भी बच्चों को ड्रेस उपलब्ध नहीं हो पाई। लेकिन अब भीलवाड़ा से बाड़ी ब्लॉक के सभी स्कूलों बच्चों के लिए कपड़ा पहुंच गया है, जिसे बाड़ी उपखंड के 35 ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा अधिकारियों PEO के साथ बाड़ी मुख्यालय के UCBO को सौंपा गया है। बाड़ी उपखंड के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत भीलवाड़ा से कपड़ा प्राप्त हुआ है, जिसे बाड़ी पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों के शिक्षा प्रसार अधिकारियों को सौंपा गया है। साथ में बाड़ी उपखंड पर UCBO को यह कपड़ा उपलब्ध कराया है, जो अपने क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी स्कूलों के HM को यह कपड़ा अवश्य उपलब्ध कराएंगे, जहां से यह जल्द ही स्कूल बच्चों को वितरित किया जाएगा। बच्चों की कपड़ा प्राप्त होने के बाद ड्रेस वे अपने अनुरूप सिलाएंगे, जिसकी सिलाई बच्चों के खाते में डाली जाएगी। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निशुल्क ड्रेस योजना के तहत ये ड्रेस प्राप्त हुई है बाड़ी ब्लॉक की, जो आज समस्त पीओ के वितरित की जा रही है। इस ड्रेस में प्रत्येक बच्चे को दो दो सेट किए जा रहे हैं और पीओ वाइज ये यहाँ से वितरित की जा रही है। पीओ के यहाँ से ये समस्त सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए वितरित की जाएंगी। राज्य सरकार के निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के अंतर्गत ब्लॉक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म प्राप्त होंगे, इसको समस्त पीओज को वितरित किया जा रहा है और पीओज के माध्यम से समस्त विद्यार्थियों तक वो ड्रेस पहुंचाई जाएगी। निःशुल्क ड्रेस की सुनकर के विद्यार्थियों बेहद उत्साह है, युवा प्रसन्न है, इससे समरूपता आएगी तथा समस्त विद्यार्थी एक ड्रेस में जब विद्यालय में आएंगे तो विद्यालय का वातावरण सकारात्मक बनेगा और विद्यार्थी, इसमें बहुत अच्छी योजना है।